नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हेल्थ और मैं हूं नंदनी जैन। टाइफाइड बुखार एक बीमारी है जिससे कोई भी प्रभावित हो सकता है। यह बीमारी सैलमोनेला टाइप बैक्टीरिया के कारण होती है। आमतौर पर लोगों को टाइफाइड दूषित पानी या भोजन के सेवन से होता है। अगर बात करें टाइफाइड फीवर के लक्षणों की, तो इनमें शरीर में दर्द से लेकर भूख न लगना तक हो सकता है। टाइफाइड फीवर के कारण कई है, लेकिन साफ सफाई का ध्यान नहीं रखना इसका सबसे प्रमुख कारण है। इसमें मरीज का बुखार 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है और दवाओं से बुखार कम नहीं होने पर अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता हो सकती है। अब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे टाइफाइड बुखार होने पर किन घरेलू उपायों को आजमाएं। सबसे पहला है तुलसी। तुलसी एक ऐसी जड़ी बूटी है जो सूजन और जोड़ों के दर्द को कम करती है। ये टाइफाइड बुखार के लिए सबसे बढ़िया घरेलू उपचार है। इसका कई आयुर्वेदिक दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है। यह मलेरिया सहित कई बीमारियों को ठीक करती है। टाइफाइड से पीड़ित व्यक्ति इसकी चाय या पानी में उबाल कर या शहद के साथ सेवन कर सकता है। दूसरा है सेब का सिरका। सेब के सिरके में अमूल्य गुण होते हैं और यह टाइफाइड बुखार के लिए एक अच्छा घरेलू उपचार है। टाइफाइड से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में गर्मी निकालने पर यह तेजी से बुखार को कम करता है। इसमें खनिज होता है जो बीमार व्यक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तीसरा है कोल्ड कंप्रेस। टाइफाइड से पीड़ित व्यक्ति को तेज बुखार होता है जो कई दिनों तक रहता है। यही वजह है कि शरीर के सामान्य तापमान को बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए आप कोल्ड कंप्रेस की मदद ले सकते हैं। आप एक कपड़े को ठंडे पानी में गीला करके इसे रोगी के हाथ, बगल, पैर और माथे पर लगा सकते हैं। हालांकि इस प्रक्रिया में इस्तेमाल किया गया पानी ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए और अच्छे परिणाम के लिए समय समय पर कपड़े को बदलते रहना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी हेल्थी टिप्स के लिए बने रहे इंडिया न्यूज़ हेल्थ के साथ।